बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम से जुड़े रहें। पर है श्याम धनी रोहात को दिखा जी, जो भी इनकी एक्स्ट्रा तोड़फोड़ थी ना देखी, उन सब पर इन्होंने एरो के निशान लगवाए रेड कलर के, 3 फीट किसी की, 5 फीट किसी की दीवार आ रही, किसी का आधा मकान, वो पूरा एक चीज में बनेगा। और ये रोड ये देखिए इस तरह से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, खाटू धाम तो आप जाते ही हैं, बाबा श्याम को निशान भी अर्पण करते हैं, परंतु बाबा श्याम का मंदिर विस्तार हो रहा है, जिस कारण से मंदिर काफ़ी दिनों से बंद है और मंदिर आने वाले समय में खुलेगा। 3 दिसंबर 2022 के बाद खुल सकता है मंदिर। तो बाबा श्याम का जो मंदिर है, क्या विस्तार काम चल रहा है, अभी खाटू धाम में क्या क्या हो रहा है, कौन से रास्ते कैसे बनेंगे, जो आरती दीदी हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, और वो वीडियो मैं आपको इस चैनल पे दिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि खाटू धाम में क्या क्या हो रहा है। आरती दीदी जो है बाबा श्याम को प्रतिदिन रिंगस से खाटू धाम तक पैदल यात्रा करती हैं और बाबा श्याम को निशान अर्पण करती हैं। तो बाबा श्याम की सबसे बड़ी दीवानी है ये, जिन्हें हम आरती दीदी के नाम से जानते हैं और कलयुग की मीरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये इन्होंने खाटू धाम में हमें ये सारी वीडियो दिखाई है बना की, कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी जगह तोड़फोड़ हो रही है, रोड कैसे निकलेगी और क्या क्या डिटेल पूरी इस वीडियो में उन्होंने बताया है। तो चलिए इस वीडियो को आप देख लीजिए कि खाटू धाम में अभी इस समय क्या चल रहा है। तो चलिए आरती दीदी की इस वीडियो को देखते हैं। तो जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सबको बताएं, खाटू के अंदर तोड़फोड़ का काम चल रहा है और उसको लाइव दिखाने के लिए आपकी आरती खाटू में आ गई है। और इन लोगों के यहाँ सबके यहाँ पता है लाल रंग की टिप लगा दी है, लाल एरो का निशान लगा दिया है। 40 फीट का रास्ता हमारे शनि मंदिर से लेके खाटू तक सबके लिए बाहर निकाला जाएगा। तो जिसके यहाँ पर एक्स्ट्रा लाल पॉइंट है, उसकी ज़मीन वहाँ तक पीछे दूर की जाती है। इनको ऑर्डर दिए गए, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम मंदिर के गेट के अंदर घुसते हैं ना, तो ये देखिए क्या उन्होंने लाल रंग के एरो लगाए हैं। ये देखिए, यानी कि ये दुकान 3 फीट के अंदर होगी, चाहे वो ये दुकान हो चाहे मकान हो। ये हमारे स्वयं मोहनदास जी का मकान है, ये इनके श्याम कुंड की पीछे वाली गलियां हैं, जहाँ से मंदिर के बड़े वाले लोहे के गेट पे एंट्रीज होते हैं। इनको नोटिस दिया गया और थोड़ा समय पीरियड दिया गया। तो ये देखिए ऊपर से ये खुद अपने लाइव मकान को तोड़वा रहे हैं। ये देखिए सभी अपने कोई स्टार्टर अंदर कर रहा है। 40 फीट का रोड निकालेंगे हम लोग, जिससे जब हम शनि मंदिर से श्याम कुंड होते हुए खाटू मंदिर के एग्जिट गेट के अंदर जब घुसने आते हैं ना, एंटर वाले गेट में, लोहे वाले में, लाइव तो ये देखिए, जो लोग समझदार हैं वो खुद अपना मजदूर बुलवाकर पहले से डरवा रहे। 3 दिन की नोटिस के बाद आप सबको बता देती हूँ, यहाँ पर क्रेन चलाई जाएगी और गवर्नमेंट की सब अकॉर्डिंग तोड़फोड़ की जाएगी। इनका लाइसेंस कहाँ है? इनका लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस ही है। लाइसेंस ही नहीं, अरे लाल है। तुम किसे? अच्छा, वो भी जो यहाँ काम करेगा। ये देखिए हमारे होटल श्याम वात्सल्य भवन जो हमने नया बनाया है, कि बाहर की डोली जाएगी पूरी, उसमें आवाज नहीं आएगी। सब अपनी दुकानों को खुद ही व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए ये हमारा खाटू श्याम जी का श्याम हम सब के लिए बनने वाला 40 फीट का रास्ता। अच्छा, ये पूरी दीवार जाएगी। ये हमारी इस चीज़ का देखो लाल चिन्ह दिखाता हूँ आप सबको श्री श्याम। ये देखिए, यानी ये दीवार यहाँ से लेके ये चिन्ह भी स्टार्ट हुआ यहाँ तक अंदर जाएगी। लाइव चला रहा हूँ, लाइव खाटू कितना बड़ा करवा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। अधिकारी जी बड़े रूप में आएंगे तो बड़े बन, हम जी बड़े रूप में आएंगे तो बड़े बन रहे। जय श्री श्याम। देखिए हमारे एग्जिट मंदिर का गेट, नंबर
विधान अपील अपील का बोर्ड को दिखा दो। बड़ा तेरी सीमा वहाँ मेरी सीमा यहाँ। अभी हमारे ही वक्त आने वाला, चिंता मत करो। सही बात है ना। हाँ बेटा, मैं अपनी सीमा में हूँ, कुछ भी करूँ। कोई गलत तो करने नहीं। हाँ मैं पक्की लड़की हूँ, पुरानी लड़की हूँ। सरकार देश है उसको दिखा रहे हैं। हाँ था ओड़ी। इन्हें क्या करोगे वाटर बोरी को? ये देखिए, इन सबकी दुकानें तोड़ दी। इनके पहले मैं नौकरी करके तोड़ दी। हाँ नहीं, ऐसे नहीं बोलती। देखिए ये हमारे मंदिर का गेट है, एंटर गेट। चाचे अब सब अंदर उतरते, जो बाहर की दुकानें थी शाम कुंड के बाहर, जहाँ पर रैलिंग लगी हुई थी हम सबके लिए चढ़ने के लिए, वो रैलिंग और वो सब हटा दिया, टोटल अतिक्रमण हटा दिया सारा। ये देखिए, इन्होंने तो नहीं तोड़ी, लेकिन श्याम बाबा के आशीर्वाद से सब तोड़ गए। ये हमारी पार्किंग हुआ करती थी शाम। हम है मंदिर कमेटी में, श्याम बगीचे के पीछे श्याम भक्तों, मैन वही, जहाँ से आप सब मंदिर के अंदर लाइन लगा के एंटर होते हैं। यहाँ 40 फीट का रोड बन रहा है पूरा बड़ा, हम सबके लिए। देखिए इनके निर्माण को क्रेन द्वारा तोड़ा गया, ये सारा 40 फीट का रोड बनाया गया लंबा। यहाँ कर दे गए सबका। ये हमारे लाला मांगी लाम जी भी नहीं बचे। इनका चिन्ह कहाँ है? चिन्ह कहाँ है? चिन्ह दिखाना है। इन सबको एक लाल चिन्ह मिला और जहाँ पर इनका चिन्ह लगा गया वहाँ तक ही चिन्हित हैं ये लोग। इसके बाद 40 फीट का रोड है, जो भी बची भी पढ़ा मेरे भाइयों, जय श्री श्याम। जो भी रोड है अभी देखिए, जो पार्किंग पर जुर्माना लग रहा है, जुर्माना तो बाद में लगेगा, पहले जो लाल निशान लग रहा है वहाँ तक ही पार्किंग भी जाएगी। श्री श्याम आ जाओ पंडित जी, यूँ कटेगा ये, यूँ ये सीध निकलेंगी यहाँ से। देखिए शर्मा जी, है ना, तो पार्किंग के अंडर में आने वाले ये 40 फीट का रोड पूरे बनाएंगे, यानी कि ये दीवार काफ़ी जाएगी। ये पूरी दीवार आधा इंच तक की, अंदर 3 फीट तक की दीवार, ये अंदर से पूरी बाउंड्री, पूरी मंजिल टूटेगी। आरती तो पक्की पुरानी लड़की है गाँव की। ये देखिए इनकी सारी दुकानें खाली करवा ली हैं, क्योंकि ये सब अवैध निर्माण था। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मंदिर कमेटी के अनुसार और गवर्नमेंट के अनुसार, मंदिर कमेटी से कुछ नहीं होता। ये देखिए सब जगह दुकान बन गई थी, ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, बगीचे के अंदर जाने का। ये देखिए ये शाम बगीची हमारी पीछे से, उसका गेट मैंने आप सबको सारी तोड़फोड़ दिखा दी, जो भी इनकी एक्स्ट्रा तोड़फोड़ थी ना, देखी उन सब पर इन्होंने एरो के निशान लगवाए रेड कलर के, 3 फीट किसी की, 5 फीट किसी की दीवार आ रही आ रही, किसी का आधा मकान, वो पूरा एक चीज में बनेगा। और ये रोड ये देखिए इस तरह से पूरी, जो हम लोग पीछे से घूम के आते थे बगीचे के आते हुए, जो लोहे के गेट में अंदर एंटर होते हैं, वो ये 40 फीट का रोड बनेगा शाम प्रेमी। देखिए इस तरह, और ये सीधा निकलेगा भाड़ लगदार की वहाँ, या ये धर्मशाला को हम सब जानते ही, हमारी धर्मशाला है होटल श्याम सका हैदराबाद। देखिए सबको पूरा खाटू दिखा दिया आपकी दीदी ने, खाटू में रहेंगे तो खाटू दिखाना पड़ेगा भाई, सही है। अधिकारी छुट्टी बना रहा है अंदर, पर कर्मचारी को थोड़ा इतनी परमिशन है कि सारी छुट्टी अधिकारी के बराबर बनाओ, इसलिए कर्मचारी ने सोचा छोटा मोटा काम करते हैं, थोड़ा निरीक्षण करने निकलते हैं खाटू काम का। क्या हो रहा है नया खाटू में, आप लोगों सबको दिखाएं। आप सबको बताता हूँ, सारे बगीचे की सीध लगाकर या फिर 40 फीट की रोड की सीध लगाकर सारे मकान दुकान भवन सब तोड़ दिए। ये देखिए आगे जो अष्टा दुकानें बनी हुई थी श्याम सका होटल के यहाँ, जहाँ से हम लोग पीछे से घूम के आते थे श्याम बगीचे के, वहाँ से उसके पास की सारी दुकानें हटाई जा रही, जहाँ आप लोग की लाला जी वाली पार्किंग हुआ करती थी, सब गई हो। देखिए अष्टा ही सारी दुकानें, ये देखो मैं आपको लाल चिन्ह दिखाता हूँ, ये देखिए श्याम प्रेमियों, ये है लाल चिन्ह, दिख रहा है आप सबको? ये देखिए ये लाल चिन्ह लग रहा है, यानी कि ये दीवार, ये हमारा रोड स्टार्ट है, रोड शुरू है यहाँ से, और यहाँ से ही काली दीवार शुरू हो रही है यहाँ से। देखिए ये यहाँ लग रहा है चिन्ह, यहाँ तक ये दीवार जाएगी, यानी कि 6 फीट की है ये, है ना,
ये सारी दुकानें पूरी जाएंगी। देखो श्री श्याम, ये जो भी ऊपर के चबूतरे हैं इसका, ये सब अपने आप ही खोल रहे हैं, इनमें इनकी भलाई है। श्री श्याम कैसे श्याम सबको, ये पूरा के निर्माण एक्स्ट्रा में, ये देखिए ये पूरी सीट खींची हुई है। और ये रहा इसका लाल चिन्ह, लाल चिन्ह, ये रहा इसका लाल चिन्ह, यानी कि ये पूरी दीवार जाएगी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी बड़ी पार्किंग जा रही है शाम सका परिवार। हाँ अभी लंबा पड़ेगा बड़ा निकलते हैं। ये देखिए शाम भक्तों, ये हमारी शाम सका आ गई आप सबके लिए, आइए क्या है पूरा थी रहा है। हाँ हाँ ये देखिए यहाँ पर भी अब तक गेट लगा दिया है, ट्रेन लगा दी, चैन लगा दी है। हाँ यार, ताकि इस गेट को बंद किया जाएगा, पब्लिक सीधी वहाँ से वहाँ तक आएगी यू टर्न लेके। अदल यात्रा के लिए नए बोर्ड लग गए हैं। जय श्री श्याम भाइयों, नया बोर्ड देख लो आप सबके लिए, ये हमारा नया मंदिर का एड्रेस है। श्याम प्रेमी, हम मंडा चौरा होते हुए अस्पताल चौराहे आएंगे, शनि मंदिर आएंगे, और फिर कैरपुरा रोड से होते हुए श्याम मंदिर के अंदर आएंगे, यानी पीछे से पूरा यू टर्न लेकर जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा। सारे नए प्रेमी आप सबको बता रहा हूँ, आप तो गाड़ी लाने भी शायद यहाँ मना हो जाएगा अंदर, क्योंकि जो पार्किंग एक्स्ट्रा थी ये सब तो टूट फोड़ हो रही है। ये देखिए आज्ञा श्री मंदिर कमेटी, जिला पुलिस प्रशासन का आदेश है, अब हम सबका रिंगत से खाटू यात्रा करने के बाद मंडा चौराया होते हुए हम सब हॉस्पिटल चौराहे आएंगे, वहाँ से हम सब शनि मंदिर की तरफ जाएंगे, जो हम सब अभी जा ही रहे हैं कुछ दिनों से, और उसके बाद कैपुरा रोड पर यानी कि मंदिर कमेटी हमें पूरे वो जो मेला मैदान घुमाती है आप सबको श्याम प्रेमियों, वहाँ डाल लेगी, और वहाँ से फिर आप मंदिर आएंगे पीछे के रास्ते से होते हुए। ये देखिए मंदिर दर्शन के लिए पैदल यात्री मार्ग की अनुमति, और वाहन बिल्कुल बंद है, कोई भी गाड़ी खाटू में अंदर एंटर नहीं होगी, हो गई तो हमारी किस्मत है, हो गई तो हमारी किस्मत है, क्योंकि अधिकारी को अपने कर्मचारियों को पता रहता है कौन सी गाड़ी अंदर आनी है कौन सी बाहर। अभी सबको आरती की तरफ से प्रणाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पूरा खाटू घुमा दिया, पूरी तोड़फोड़ हो रही है, कुछ आदेश मिले हैं लोगों को, नोटिस दिया गया है इन टाइम पीरियड में, ये सब जो समझदार व्यक्ति देखिए वो तो अपनी कार्रवाई खुद ही करवा के रोड को बड़ा चौड़ा करने में, अपने मकान हो चाहे दुकान हो उनको सीमित दायरे में तोड़ के बराबर कर रहे हैं, और जो नहीं होते उसको बात तो आपको पता है, गवर्नमेंट के पास एक क्रेन नाम की वस्तु होती है, वो कबर कहाँ तक चलती है, फिर मज़ा नहीं आता। जय श्री श्याम, अभी सबको आरती की तरफ से प्रणाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, सबको प्रणाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो श्याम भक्तों, ये जो अभी आपने वीडियो देखा, ये आरती दीदी ने ये वीडियो बनाया है, और इस वीडियो को बनाकर उन्होंने ये दिखाया है कि खाटू धाम में अभी इस समय कौन कौन से काम चल रहे हैं, और मंदिर जब खुलेगा ओपन होगा तब उस समय आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने बोर्ड वगैरह देखे, जो नए नए बोर्ड लगे हैं वो सब जल्दी जल्दी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द सारे काम को निपटाया जा सके, और बाबा श्याम के भक्तों को दरबार में बुलाकर बाबा श्याम के दर्शन कराए जा सके। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।